वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, हमने अभी तक देखा और मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि हम जो मैंने जो सीजीएल क्रैक किए हैं या फिर जो मैं एक साइंस इंस्पेक्टर बना तो क्या रूटीन फॉलो की या क्या किया। मैं सबको पहले ये तो बताना चाहूँगा कि एक एस्पिरेंट की लाइफ में एक एग्ज़ाम देते वक्त आपका जो शेड्यूल होता है वही आपका इंडिकेटर होता है कि आप कैसे जाते हैं, आप कितने घंटे उसे देते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को कभी घंटों में ना नापिए, आप ये नापिए कि उन घंटों में आपने कितना किया। इट डजंट मैटर नंबर ऑफ आवर्स यू हैव पुट इन, ऑल दैट मैटर्स हाउ मच यू हैव पुट इन दैट आवर्स। आप एक घंटे में कितने क्वेश्चंस करते हैं, आप कितने ज़्यादा आपने इंग्लिश प्रैक्टिस की, वो कैब के प्रैक्टिस की। पहली बात तो मैं ये बताऊँगा कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि आपको सुबह उठना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रात में पढ़ना चाहिए, कुछ लेट नाइट में पढ़ते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। आप जो भी हैं, मैं बस ये कहूँगा कि आपकी जो नंबर ऑफ़ स्लीप आवर्स हैं वो 6 से 7 घंटे होने चाहिए, तब तक जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। 6 से 7 घंटे की स्लीप आवर्स मिनिमम है जिससे आपका ब्रेन फंक्शन करता है, आप वो करते हैं। तो आप जो भी अपना शेड्यूल बनाइए उसको मिनिमम आप ऐसा कीजिए कि अपने शेड्यूल को ब्रेक कीजिए और 6 से 7 घंटे की जो भी स्लीप है वो लीजिए। अगर आपको दोपहर में नींद आती हो तो आप 15 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, उसे ज़्यादा नहीं। 15 मिनट का आप शुरू में आपको आदत नहीं लगेगी लेकिन बाद में रह सकते हैं। मैं क्या किया करता था, देखो दोस्तों, मैं सुबह उठता था, फिर मैं अपनी पढ़ाई करता था और उसके बाद क्या दोपहर तक दिमाग थक जाता था, मैं 15-20 मिनट का पावर नैप लिया करता था। इनफैक्ट इस तरह से मैं काफ़ी नंबर फास्ट पुट करता था और यही मेरा रिपीट चलता था। जब तक आप एग्जामिनेशन मोड में हैं और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपका ये थी स्टडी ईट स्लीप एंड देन रिपीट, स्टडी ईट स्लीप एंड देन रिपीट। इस मोड के सिवा कोई और मोड नहीं है। दूसरी बात तो ये, अगर आपकी नींद कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। आप जब तक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन दे रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देनी है। पहले ही मैं आपको स्ट्रेटेजी मैथ की, इंग्लिश की अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा और क्या रूटीन एग्जैक्ट होना चाहिए या करना चाहिए वो बताऊँगा, लेकिन आप उससे पहले इन सब चीज़ों को समझिए। जैसे कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑयली फूड ना खाएं, आप जंक फूड ना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा देती हैं, आपको लिथार्जिक फील करवाती हैं, आपको नींद आती है, आपको एक्टिव रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लीजिए, एप्पल्स खाइए। इनफैक्ट अपने मील को भी हैवी मील मत रखिए, आप उसको 5 छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कीजिए और छोटे छोटे मील लेंगे तो आप होगा। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन पाना एक छोटी सी बात नहीं है, उसके लिए हर तरह का एफर्ट चाहिए। फिजिकल आप 15 मिनट कहीं एक्सरसाइज के निकालिए जो कि मस्ट है। जब तक आपका बॉडी में हार्ट बीट बढ़ेगी, चीज़ें होंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जो एक्सरसाइज से होता है, तभी आपका जो ब्रेन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है फंक्शन करने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ते कैसे हैं या पढ़ना कैसे है। देखिए, आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो मिनिमम करनी ही होती हैं, आप उसके हिसाब से बताइए। आप जब सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होता है, तो आप उस वक्त सबसे पहले तो वोकैब या इंग्लिश रिवाइज, जीके रिवाइज कीजिए, क्योंकि जीके में जो भी आपने पढ़ा है शुरू के 1-2 घंटे में रिवाइज कीजिए। मान लीजिए आप हमारे क्लास में आ रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका शेड्यूल हमारे क्लासों के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आप सुबह के बैच में हैं, 9 to 12 हमारी क्लास हो रही है, तो आप क्या कीजिए कि सुबह जब आप उठें 6:30 बजे या 6 बजे जब भी, तो 6 उतने बजे उठने के बाद 1 घंटे में फ्रेश हो जाइए। 7 से आप 8:30 तक आप अपने जीके रिवाइज कीजिए, रोज़ पढ़िए उनको, और 1/2 घंटे लगाइए फिर तैयार होने में। 9 बजे से 12 बजे तक क्लास, आप घर जाइए, लंच कीजिए, लंच करने के बाद फिर आप वो चीज़, जब भी आपको नींद आए तो वो चीज़ उठाइए जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैथ, आपने मैथ उठाया और मैथ उठाने के बाद क्या आप उसके क्वेश्चंस कीजिए। सबसे पहले तो जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसको ठीक से रिवाइज कीजिए, उसको छोड़ना नहीं। आपने मैथ पढ़ा, उसे थक गए, थोड़ा सा पावर नैप लेनी है तो ले लीजिए। उसके बाद क्या है, आप इंग्लिश उठाइए, फिर इंग्लिश के बाद फिर जीके, फिर रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग हो रही है। आपको ये देखना है कि किसी एक सब्जेक्ट के कारण दूसरा सब्जेक्ट ना छूटे, क्योंकि हमारे के चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है टीयर 1 के लिए। हाँ, टीयर 2 में या दूसरे एग्ज़ाम्स में आपके जो इंग्लिश और मैथ ही आते हैं, दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब ओवरऑल 600 मार्क्स में से 250 आपकी मैथ है, 250 आपकी इंग्लिश है, और जीके और रीजनिंग 50-50 मार्क्स की है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम बताते हैं आपको कि अचीव मतलब होना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप नंबर ऑफ आवर्स में चीज़ों को देखना चाहते हैं तो मैं स्ट्रिक्टली कह देता हूँ आपको कि नंबर ऑफ आवर्स में मत देखिए, लेकिन फिर भी जो लोग ये कहना चाहते हैं मैं सिंपली कहता हूँ 8 से 10 घंटे तो पक्के हैं।
कब तक? जब तक आपका एग्ज़ाम में 2 महीना नहीं रह जाता, उससे पहले 8 से 10 घंटे आपको रेगुलरली देने हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए 1 महीना ही बाकी है, तो आपको 12 घंटे देना ही पड़ेगा। ये उनके लिए था जो नंबर ऑफ आवर्स पे जाते हैं। अब मैं उनकी बात करता हूँ जो उन आवर्स में कितना एफर्ट डालना चाहते हैं, उस पर सोचते हैं। दोस्तों, लाइफ में आपने जो ये अपना नज़रिया चुना है, आप या फिर आपको जो होना है तो उनको बनना है तो फिर बनना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, और जब भी आप पढ़ें तो ये मत सोचिए कि बस पढ़ लिया थक गए। ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई ना कोई दुनिया में किसी और कोने में या भारत में किसी और कोने में आपसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा। आप जब भी पढ़ें और पढ़ के उठें तो यार ये ज़रूर सोचिए, यार इतना तो उस किसी और ने भी पढ़ लिया होगा, थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो। और आपको हर दिन हर वक्त ये याद दिलाना है कि ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी 5 महीने 6 महीने जब आपको पढ़ाई करनी है, हर दिन आखिरी दिन समझ के पढ़ाई कीजिए कि इसके बाद दोबारा नहीं पढ़ना, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। वैसे भी आप अगर सोचें तो आप अपनी इस गवर्नमेंट जॉब में पूरी लाइफ नहीं तो हाफ ऑफ द लाइफ जो आपकी वो होगी, मतलब 25 में आप एंट्री करते हैं, 60 में रिटायर करते हैं, 60 साल की उम्र में 35 साल आपने इस जॉब को दिया, तो आप उस जॉब की तैयारी में क्या आधा दिन भी नहीं देंगे जो आपको 35 साल तक करनी है, और जो आपको नाम देगा, फेम देगा, रुतबा, शोहरत, पैसा, हर चीज़ तो उसी से मिलने वाली है। अदरवाइज़ कौन रिस्पेक्ट करता है सोसाइटी में? रिश्तेदार भी नहीं पूछेंगे आपको जब तक आपकी जेब में पैसा ना हो या फिर आपकी एक डेजिग्नेशन ना हो। लोग पहचानते डेजिग्नेशन से, आपको नाम से नहीं। चलिए, मैं थोड़ा चीज़ों को महिला वो बत करने लग गया था। तो आइडियल शेड्यूल, 6:30 बजे उठिए, 8:30 बजे तक फिर आप सबसे पहले जी के रिवाइज़ कीजिए, अपने हमारी क्लासेस से आने के बाद जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज़ कीजिए, फिर उसको मैथ के प्रैक्टिस कीजिए, फिर इंग्लिश कीजिए। अब मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ जैसे मैथ के बारे में। देखिए, मैथ के दोस्तों आपको रोज़ डेली के 100 क्वेश्चंस करने हैं। प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये होती है कि जब आप एक चीज़ रिवाइज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ गड़बड़ हो जाती है। जब दूसरी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तो चीज़ें आपको उस तरह से नहीं दिखती। तो आपको क्या करना है कि अपने सिलेबस को ऐसे बांटना है या ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सारी चीज़ें क्लियर हों। सारी चीज़ें इस जैसे आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको वो चीज़ों को 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं जो आप हमेशा करते आ रहे हैं। आपको वो क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस करते रहने हैं जो 10-10 डिवाइडेड। जैसे कि क्या है, आपके क्वेश्चन जो हैं वो परसेंटेज के थे या फिर आपका एवरेज का है, आपके टॉपिक्स हो गए हैं, तो आप क्या कीजिए, आपके 17 टॉपिक्स हैं। आप हर दिन डिसाइड कीजिए कि मेरे 10 टॉपिक्स के 10 क्वेश्चंस ये हैं, और ये 100 क्वेश्चंस जब हो गए तो अगले 100 क्वेश्चंस कैसे होंगे। अगले दिन वही टॉपिक रिपीट नहीं होने चाहिए, कुछ 3 टॉपिक रिपीट हो सकते हैं, फिर कीजिए। आपको हर दूसरे दिन उस टॉपिक पर बार बार आना है, इस तरह से आप उस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। तो मैथ में पहले तो डेली 100 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब इसके लिए आप टाइम इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि वो रिड्यूस होकर आपके उतने तक आ जाए, मतलब 1-2 घंटे के अंदर आ जाए। दूसरी बात, ये जो किरण पब्लिकेशन की SSC मैथमेटिक्स की बुक है, इसी को अपना मतलब किताब मानिए, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसी को प्रैक्टिस कीजिए। आपको कितनी बार करनी है, एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम आपने इसको 4 से 5 बार कर लिया होगा। याद रखिए इसको, एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम 4 to 5 times आपने इसको कर लिया है, तभी आप चीज़ों को अचीव कर पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। तो आपकी ये रही एग्ज़ाम होने मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी। अब अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते। मॉक टेस्ट ही आपका क्लियर करता है कि कितने आएंगे। तो हर स्टूडेंट की लाइफ में एक मॉक टेस्ट होना जरूरी है। आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, कुछ लोग हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं कि किसका करते हैं, अदरवाइज़ मैं 2-3 नाम सजेस्ट कर दूंगा जो अच्छे हैं सबके। नहीं तो आप एक मॉक टेस्ट जरूर दें। कब? हर अल्टरनेट डे पे। वो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रेरित करता रहेगा, बनाता रहेगा। आप चेक करते रहेंगे, आपको आपका एनालिसिस अच्छा होगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ वो कर रहे हैं। मैथ की स्ट्रेटेजी, 1 मॉक टेस्ट एवरी अल्टरनेट डे। आपको किरण पब्लिकेशंस की सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट करनी है 4 to 5 times, पूरी 100 क्वेश्चंस डेली, वो भी अलग अलग टॉपिक के, और अल्टरनेट आपको क्या है, हर रोज़ जाके वो जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करना है, उसके क्वेश्चंस करके आने हैं, इस तरह से। अब आ जाता हूँ मैं इंग्लिश में। इंग्लिश में दोस्तों लोगों को बड़ी दिक्कत आती है कि वर्ड याद नहीं होता, वो कैब नहीं होता। देखो, सारी वो कैब किसी को नहीं आती, लेकिन इंग्लिश की भी एक स्ट्रेटजी होती है। आपको क्या है, एरर अगर नहीं आते तो आप
अब मिरर ऑफ कॉमनेस बुक आती है अशोक कुमार सिंह की, आप उसको फॉलो कीजिए। उसको उसमें 13 टॉपिक्स आते हैं, अच्छे वाले काम के 11 बचते हैं। उन 13 टॉपिक्स को आप क्या कीजिए, रोज़ पढ़िए, हर दिन एक टॉपिक, हर दिन एक टॉपिक, उसके पीछे 50 क्वेश्चन है, उसको रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। एक्टिव पैसिव के लिए मैं कहूँगा आपको रोज़ 10 एक्टिव पैसिव रोज़ कीजिए। 10 एक्टिव पैसिव करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप सीधे रूल देख के आराम से निकाल सकते हैं। अगर जब आप ये रोज़ करने लग जाएंगे तो आपको आदत बन जाएगी एक्टिव पैसिव एलिमिनेट करने की, तो आप देखते ही आंसर कर देंगे। सेम वे में 10 डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोज़ करने हैं आपको। किससे? किसी भी पुरानी प्रीवियस बुक लीजिए, सब्जेक्ट वाइज ले लीजिए, या तो किरण की हो सकती है, MB पब्लिकेशन की बहुत अच्छी आती है। अब वो कैब आपको स्ट्रॉन्ग करना है, वो कैब स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैक बुक आती है आपकी निखिल गुप्ता की, क्यू मैथ्स कि जो है वो करते हैं, बहुत अच्छी बुक है वो। आप उसको क्या कर सकते हैं, अपनी गाइड बना के जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सबको आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, आप जो न्यूज़पेपर है उसको डेली फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर डेली फॉलो करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़पेपर के थ्रू ही आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप जब उसे पढ़ेंगे तो रोज़ कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्लियर होंगी, आप अपने जो पैसेज होता है अनसीन पैसेज उसको क्लियर कर पाएंगे, चीज़ें समझ पाएंगे, और इस तरह से आप परफॉर्म कर पाएंगे। और आपका कॉम्प्रिहेंशन जब करें तो आप एडिटोरियल लीजिए, उसको रोज़ पढ़िए। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा, उसमें से वर्ड्स लीजिए, उनको लिखिए एक डायरी में, उसका मतलब लिखिए, मतलब के साथ वो लिखिए, सेंटेंस लिखिए उसका यूज़ कैसे होता है अपने शब्दों में। धीरे 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 आपको आदत लगेगी, फिर आप देखेंगे अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन जो आप पहले आपको समझ में नहीं आता था आप एक बार में कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे, चीज़ें कर रहे थे। अब आ जाता हूँ मैं idioms एंड phrases पे। idioms एंड phrases के लिए क्या, एक MBA पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक आती है, आप क्या करें MBA पब्लिकेशन की, मतलब idioms phrases वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बुक ले लीजिए, मैं भी उसे फॉलो करता था। उसमें क्या है कि आपके कुछ 70-80 पेजेस हैं, आप रोज़ एक पेज कीजिए, 80 दिन में आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे। रोज़ उनको पढ़िए, याद कीजिए, वोकैबुलरी हो, idioms एंड phrases हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, अगर आपको याद नहीं होती है तो आप क्या कीजिए, उन वर्ड्स को लिखिए, लिखने के बाद खुद अपने वॉइस से उसको रिकॉर्ड कीजिए, और जब भी आपको खाली समय मिले कान में लगा के अपने ही वॉइस को सुनिए। अपनी वॉइस सुनने में थोड़ी सी अटपटी लगती है, लेकिन वो आपको क्या है कि बार बार सुनते सुनते आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। मैं जब भी बस में ट्रैवल करता था, चीज़ों में ट्रैवल करता था, तो मैं उसी रिकॉर्डिंग को सुनते चलता था। रोज़ क्या होता है कि हम ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, पता नहीं चलता, तो मुझे क्या है कि टाइम वेस्ट करने की जगह इसके ज़्यादा इस्तेमाल करता था, और इससे मेरी वो कैब काफ़ी स्ट्रांग होगी। हालांकि मैं द हिंदू भी पढ़ा करता था उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो आपकी हो गई idioms phrases, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन कर दिया, ओके, मिरर ऑफ कॉमनेस बता दिया मैंने। उसके लिए आप प्लिंथ टू पैरामाउंट आती है एक बुक, उसको भी फॉलो कर सकते हैं एरर एलिमिनेट करने के लिए, वो अच्छी बुक है। जब भी आप, ये हो गया तरीका आपका इंग्लिश का, रोज़ थोड़ा 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 करके। ये मैथ का 100 क्वेश्चंस, एक मॉक टेस्ट, और आपका 100 क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है। और SSC जो की बुक है किरण पब्लिकेशंस की, आपको 4-5 टाइम्स, यही मंत्र है। अब आप अपना शेड्यूल बताइए, आप अपना शेड्यूल बनाइए कि कब 6:30 से ये थे वो 9 से हो गए, 1 से लेके 3 बजे तक पढ़े, फिर थोड़ा 15 मिनट कर लिया, इसलिए रेस्ट एक जरूरी होता है। 3-3 घंटे का बैठने की जगह मैं आपको कहूँगा 1 घंटा बैठिए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए, 1 घंटा बैठिए, 5 मिनट का रेस्ट लीजिए। और इस पूरे अंतराल में जितने समय में आप ये तैयारी कर रहे हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये सोच लें कि ये पल, ये दिन, ये आखिरी है आपका, और आपकी नौकरी के सिवा दुनिया में कोई मैटर नहीं करता, कोई इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा आपके लिए कि कोई शादी है, कोई वो है। नौकरी पा लीजिए, शादी में इज्जत भी मिलेगी किसी रिश्तेदार की, अदरवाइज लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, यही मजाक हमेशा बनता रहेगा। जब तक तुम्हारे पास नौकरी है तब तक इज्जत है, अगर नौकरी नहीं है तो इज्जत कहीं नहीं मिलने वाली, इसको याद रखना। लोग तुम्हारी सैलरी पूछते हैं, तुम्हारी औकात नापने के लिए, है ना, तुम्हारा नॉलेज कोई नहीं जानता, सैलरी क्या है ये होगा, गवर्नमेंट जॉब में हो फिर ग्रेड पे पूछेंगे, दी वो डिसाइड होगा। तो आप, मैं ये कहूँगा आपको कि जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, बाकी अगर आपको रीजनिंग, GK इन सब की स्ट्रैटेजी जाननी हो तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट इसको रखते हैं। तो अब आप अपना शेड्यूल बनाइए, कितने बढ़वाएंगे याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ आवर्स की बात कर रहे हैं तो आपके 10 आवर्स से, 12 से 10 आवर्स से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन उन आज में जितना मैंने बताया इंग्लिश का, मैथ का, ये होना चाहिए। रीजनिंग की भी आप बात करेंगे मैं आपको बाद में समझा दूँगा, GK का भी, क्योंकि था शेड्यूल बनाने पे, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन GK को आप पढ़ना चाहें तो आप देखिए 2 टॉपिक होते हैं, स्टैटिक और करंट, खैर इसको बाद में हम समझा देंगे। तो अब आपको समझना है कि आपका शेड्यूल क्या है, 10 घंटे वो,
और जब एग्ज़ाम आने वाला हो 2 घंटे, तो 12 घंटे डेली के, डेली मीन्स डेली। हो सकता है कभी आपका कोई ना दिन ख़राब हो जाए, बट डेली मीन्स डेली। और दूसरी बात, आपको क्या करना है कि कल आप क्या करने वाले हैं वो चीज़ एक डायरी में लिखना है, और उस दिन अगले दिन जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन नोट करते रहना है कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। इसी चीज़ को करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और आपने जो भी किया, किस में कितना घंटा लगाया, उसको नोट करते रहेंगे। जब हम चीज़ों को लिखते रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग को पता लगता है, अदरवाइज़ हम सोचते हैं हम पूरे दिन पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ नहीं रहे, तो आपको नंबर ऑफ आवर्स दिखेंगे। आप कहेंगे तो मैं भी अपनी डायरी में लिखा करता था इन सब चीज़ों को, मैं अपनी डायरी बनाता था वो कैप की, नंबर ऑफ आवर्स की, तो वो भी मैं आपको शो कर सकता हूँ कि कितना किस में पढ़ा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा सिलेक्शन हो गया है तो वो एक वैलिडेशन है कि मैंने पढ़ाई की है। तो आपको भी करनी है, आप भाग नहीं सकते, जी नहीं चुरा सकते, क्योंकि आपका चुना हुआ रास्ता है। दुनिया आपको छोड़ेगी नहीं अगर आप अपने रास्ते पे नहीं चले। याद रखिएगा, आपका रुतबा जब तक है, आपकी इज्जत तक है, आप कुछ नहीं, तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो लिखिए, देखिए कितना पढ़ते हैं कितना नहीं पढ़ते हैं, जॉट डाउन कीजिए, सब कुछ समझिए, और जल्द ही गवर्नमेंट ऑफिसर बनिए। फैबुलस एडियो श्याम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।